मोहन यादव सरकार की तीसरी कैबिनेट बैठक जबलपुर में आयोजित की गई। बैठक में सरकार ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए। मध्य प्रदेश सरकार के संसदीय कार्य मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस वार्ता कर बैठक में हुए निर्णय की जानकारी दी। कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सरकार ने मध्य प्रदेश की आदर्श वीरांगनाओं के प्रति आदरांजलि अर्पित करते हुए उनके नाम से सम्मान देने का निर्णय लिया है। सरकार रानी अवंतीबाई और रानी दुर्गावती सम्मान इस साल से देना शुरू करेगी। यह सम्मान उन महिलाओं को दिया जाएगा जो विपरीत परिस्थितियों में भी समाज सेवा निरंतर करती रहती हैं। इतना ही नहीं, इन दोनों रानियों की जीवन गाथा पर आधारित फिल्में भी सरकार बनाएगी। प्रदेश के विद्यालयों और महाविद्यालयों में दोनों रानियों पर आधारित फेलोशिप प्रोग्राम व पाठ्यक्रम भी शुरू किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार अपने संकल्प पत्र और मोदी की गारंटी को पूरा करने के लिए वचनबद्ध है। समाज के अति पिछड़े वर्ग के आदिवासी वर्ग के लिए सरकार ने संकल्प पत्र को पूरा करते हुए तेंदुपत्ता संग्रह को 4,000 रुपये प्रति मानक बोरा भुगतान करने का निर्णय लिया है। पहले यह राशि 3,000 प्रति मानक बोरा थी। और विभाग के बंटवारे के बाद ये तीसरी बैठक है, महत्वपूर्ण बैठक है, और ये विशेषकर हमारे मुख्यमंत्री जी ने रानी दुर्गावती और रानी अवंतिकाबाई लोधी के प्रति अपनी श्रद्धा समर्पित करते हुए जबलपुर में आयोजित की है। दोनों ही महान महिला रानियों ने इस समाज में अपने साहस और वीरता के माध्यम से विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष किया और इसलिए उनको आदर्श मानकर राज्य सरकार ने फैसला किया है कि दोनों ही महिला वीर सेनानी के प्रति अपनी आदरांजलि अर्पित करते हुए रानी अवंतिकाबाई लोधी सम्मान हर वर्ष आयोजित किया जाएगा और रानी दुर्गावती सम्मान ये भी हर वर्ष आयोजित किया जाएगा। समाज के अंदर वे महिलाएं जो विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष करके समाज सेवा करती हैं उनको सम्मानित करने का काम राज्य सरकार करेगी।